मैंने फैजलोन जो यहाँ पे मेडिकल शॉप वाला है उसको फोन किया तो इसने बोला फोन पे मैं घर में नहीं हूँ, आप दुकान पे जाए तो मेरा लड़का वहाँ पे है, वो आपको इंजेक्शन देगा, वही इंजेक्शन जो इसको मैं लगाता हूँ और उससे ये ठीक हो जाता है। तो ये जावेद अहमद जो है ये यहाँ पर आया, इसने फोन पे इसके लड़के से बात करवाई, इसके बाप लड़के का बाप जो है फैज अहमद ये घर में नहीं था, ये कहीं बाहर था, उसने बोला कि जो इंजेक्शन हम इसको लगाते हैं वही इंजेक्शन दे दो, और उसने उस लड़के को इंजेक्शन दिया और वो अनपढ़ लड़का है, उसको पता नहीं है कि इसकी डेट ये क्या है, डेट एक्सपायर डेट क्या है। तो घर जाकर जब देखा उसने वहां पे एक इंजेक्शन लगा दिया और दूसरा जो था वो वहां पे मौजूद था, उसमें जब उनने देखा वहां चार पांच आदमी इसने गवाह लिखाए हैं कि उनने बोला कि ये एक्सपायर है, इसकी डेट जो है ये एक साल कुछ महीने छह महीने एक्सपायर हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ से कोई एक्सपायर मेडिसिन वगैरह किसी पेशेंट को दी गई है, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल शॉप में आए थे चेक करने, लेकिन हमें वो वाली मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिली है, इसीलिए हमने क्या बोलते हैं यहाँ से तीन या चार सैंपल उठाए हुए हैं टेस्ट करने के लिए, जो कि हम अपनी लैब में भेजेंगे, उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। और इनकी दुकान पर हमें कोई प्रोविजन क्या बोलते हैं ड्रग एक्ट का थोड़ा ठीक नजर नहीं आया, इसलिए हमने इनकी दुकान जो है वो सस्पेंड की हुई है। चाहोगे तो मैं इसको बेचता नहीं हूँ, आगे तो आगे की टेबलेट पर बेची ना आपने, दो तो एक्सपायर निकली वहाँ नहीं।